please subscribe my channel and hit the bell icon for latest update. कैसे पे जाना हाय हेलो ये जाती थी रोड को हेलो हाय लाओ ये जाती थी रोड को ये कैसे क्लब है ये जाती थी ये लड़ाई के मतलब नहीं है हाय नमस्ते बताओ नाम बताओ अपना डेनिश आपका नाम बताओ गुंजन अच्छा ये है गुंजन ये है गुंजन ये है गुंजन और ये ये है खुशबू 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 और ये नाम बताओ दुब 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 छोटा सा दुब और वो कौन थी नाम बताओ नाम ये है जस्सू जस्सू ये हमारे चुनू मुनू थे हेलो गाइस व्हाट्सअप कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राइटर शक्ति में मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शक्ति सिंह या आज हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं एक नई जगह पर मैं जैसे आपको पता है कि मैं हिमाचल में अनटच्ड एरिया को काफ़ी पसंद करता हूं तो आज मैं एक नई जगह लेके आया हूं जिसका नाम है कांडी धार जी हां बिल्कुल सही सुना आपने कांडी धार ये मेरे घर के बहुत ही पास में है तो आज मैं फिर से इस को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ होप कि आपको पसंद आएगा और साथ में मेरी नई बाइक अगर बाइक की परफॉर्मेंस की बात करें तो गज़ब है गज़ब मुझे बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आई और आप ऑफ रोडिंग की बात करते हैं तो ऑफ रोडिंग में भी बहुत अच्छी लाइक कॉमनली बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मेरे से पूछा कि क्या ये ऑफ रोडिंग में काफ़ी सपोर्ट करती है हाई एल्टीट्यूड पर दिक्कत तो नहीं आएगी या फिर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं तो मेरा मानना ये है कि सिंगल राइड के लिए आई थिंक ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हाँ पिलियंस में काफ़ी मेरे जो भी मेरे साथ फ्रेंड्स बैठते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ थोड़ा अनकम्फर्टेबल है पिलियन सच में पिलियंस में उतना मज़ा नहीं है जितना कि सिंगल राइड के लिए और मेरे मुझे नहीं लगता अगर आप लद्दाख वगैरह में भी इस बाइक में जाते तो आपको मज़ा ही आएगा चलो शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग और बने रहें और पूरा इन्जॉय करें ब्लॉग कांडी के पास से हमने अभी टर्न लिया आपने देखा ही होगा तो वहाँ से हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर है तो चलो दिखाता हूँ वो ऐसी जगह
थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, रास्ता उतना आसान भी नहीं, टफ रास्ता है, ठीक है? सो केयरफुली। के छोटे छोटे घर, आप खुद सोचो विंटर में जब बर्फ गिरती है यहाँ पर 3-4 फीट तो हो ही जाती है। वाह, हाईवे के पास कितना पास है, ठीक, फिर भी हमें इस ग्राउंड का उतना पता ही। वाह, बहुत ही देख लो है सुंदर, बहुत ही सही, ऐसा लगता है मैं बादलों के पास आ गया हूँ। टॉप पर वो देखो, वो मंडी है, सेम पराशर का एरिया। बिल्कुल प्योर हवा है, ऊपर आसमानी चीज। यहाँ से आप डिसेंड कर सकते हैं, एक बार यहाँ से आप मेरे गांव को भी। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही, जैसे कि देवी दड़ आता है या फिर काफ़ी सारे ऐसे स्पेसेस आते हैं जहाँ पर काफ़ी क्राउड हो गया है, टूरिस्ट बहुत सारा आता है वहाँ पर। पर अगर मैं इस जगह की बात करूँ तो रेयर में ही टूरिस्ट यहाँ पर पहुँच पाता है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली लोगों को पता ही नहीं इस जगह के बारे में। और अगर मैं कहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस जगह को फेमस करूँ, बताऊँ लोगों को, और मुझे लगता है सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा लोगों को पता लगता है ऐसी ऐसी जगह के बारे में। और ट्रैकिंग के पर्पज से भी अच्छा है, यहाँ से ट्रैकिंग करके आप पराशर भी पहुँच सकते हो, और ट्रैकिंग करके आप वहाँ उस टॉप पर जा सकते हो, वो वाला टॉप, वहाँ पर जाने के भी प्रोविजंस है। एंड कैंपिंग एरिया बहुत अच्छा, आप कैंप वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। और
और सड़क के बिल्कुल पास है। ऐसा नहीं कि सड़क यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, सड़क बहुत पास है। धार, धारा भी बोल सकते हैं, धारा लोकल लैंग्वेज में धारा का मतलब पहाड़ की चोटी होती है, इस टाइप की चोटी जहाँ पर बहुत ही ग्रीनरी होती है। और बड़ी बात है यहाँ कैंपिंग के लिए बहुत अच्छा स्पेसेस आपको मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। अगर आप कांडी नेट पर ढूंढोगे कांडी हिमाचल प्रदेश कुल्लू मंडी में, ये वो स्टेशन है जहाँ से यहाँ के वेदर को के बारे में बताया जाता है, कि वही होगा। वाओ, यहाँ से पैदल भी आ सकते हैं, ये रास्ता है। ओहो, सुंदर, बहुत ये टॉप पर मुंस का है, उस जगह पर जाते हैं लोग ट्रैकिंग करते हैं। और ये पूरा छपारा के पीछे की साइड को कुल्लू आता है, बैक साइड को। एंड ये हमारा जंगल, हरा भरा जंगल, ऐसा लग रहा है मैं फॉरेन में हो गई। हिमाचल में बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जहाँ आप बिल्कुल कुछ नया देखेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है ये वो जगह है जहाँ पर किसी ने शायद ही ब्लॉग बनाया होगा। ठीक है, मैं ऐसे स्टेशंस को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मुझे घूमना भी पसंद है। और घूमना किसको पसंद नहीं है, ऐसे साइट सीन या बुक ऐसी लोकेशन देखना किसको पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पसंद होगा जिसको, ठीक है, सभी को पसंद होगा। हवा बहुत चल रही है यहाँ पर, तो गाइस बहुत ही सुंदर सी लोकेशन, बहुत ही प्यारी सी जगह। मौका मिलेगा आपको अगर आप कांडी वगैरह आते हैं कभी, तो डेफिनेटली इस जगह को आप छोड़िए मत, ठीक है। और अगर आपको नाइट स्टे या कैंपिंग का आपको विचार है तो शायद ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये एक स्पेशल घर है, मैंने आपको पीछे ब्लॉग में बताया था, दड़वे बोलते हैं ना। ये देखिए, ये इसकी दीवारें बनाई गई है पत्थर की, है ना, पत्थर की बनाई गई है, और इसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, राइट। चलो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा घूम के। या ये टॉप पर आप देख सकते हैं, टॉप पर इन्होंने तरपाल डाली हुई है ताकि पानी अंदर ना आ जाए, अदरवाइज यहाँ पर जब तरपाल नहीं होती थी तब मिट्टी का इस्तेमाल किया। और ये दीवारें फिलहाल पुताई नहीं की गई है, सुंदर सी जगह, अंदर आ सकते हैं है? पक्का आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। ये देखिए टॉप पर, आप ऊपर देखिए, ये पूरा टॉप इस टाइप से बनाया गया। एंड यहाँ पर ये देखो भैंस का छोटा बच्चा दिखा, ये देखिए भैंस के छोटे बच्चे को यहाँ पर रखा गया ताकि उसको ठंड न लगे। इसके अलावा इनका फूड वगैरह मेकिंग चूल्हा भी वहाँ पर बना हुआ है, चारपाई लगी है, दैट मीन्स नाइट स्टे के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन। वाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम। तो फर्स्ट टाइम आए आप यहाँ पर या आते रहते हो? आते रहते हैं। को क्या जगह का नाम क्या है यहाँ? कांडी धार ना, ये आया देखो भाई, मैंने बताया ना कांडी धार, ये आया कांडी धार। यहाँ घूमने के लिए आते लोग, टूरिस्ट वगैरह आते हैं? अच्छा, कभी कभी आते, कैंपिंग वगैरह आप यहाँ पर 12 महीने रहते हैं? कभी कभी 4 महीने, जब आप नहीं होते थे ऐसे खुले ही रहते हैं, तो दैट मीन्स अगर मान लो कोई आता है वो बैठ सकता अंदर है। तो भाइयों 4 महीने के बाद तो अपने मजे हैं, 4 महीने के बाद हम आ जाएंगे, ठीक है, हम आज चौकड़ी बिछाएंगे यहाँ पर आराम से बैठेंगे। हाँ, इन्होंने बहुत मेहनत से इस चीज़ को बनाया होता है, इसकी केयर करना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है बात। अगर आप इस टाइप की लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही सुंदर सा जगह है जिस पर इन्होंने मेहनत से 4 दीवारी बनाई है, इसमें कोई खिड़की नहीं है, जस्ट एक दरवाज़ा।
और यहाँ पर ये खासकर समर के टाइम, गर्मियों में रहते हैं ना आप लोग, सर्दियों में फिर आप कहीं और से जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा, चलो सलीम थैंक यू यार, थैंक यू। ये जो पेड़ है ये ब्रास के पेड़ है ब्रो, जिसको लोकल लैंग्वेज में ब्रो कहा जाता है। तो यहाँ पर भरमार है, बान के पेड़ है, ब्रो के पेड़ है। मैक्सिमम अगर आप यहाँ पर उस ड्यूरेशन में आते हैं जब स्प्रिंग का सीजन होता है, अप्रैल में, जब ये ब्रो के फूल फूल खिलते हैं, खासकर मई जून के आसपास, तब आपको बहुत ही सही जगह है, बहुत ही अच्छी लोकेशन और बहुत ही प्यारी लोकेशन। तो होप गाइस कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा, और मैंने तो बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस जगह पर आके। मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई, मैं सच में बताऊं, मैं बचपन में जब बहुत ही छोटी क्लासेस में पढ़ता था, आई थिंक सेकंड या थर्ड में, तब हमारी स्कूल की एक पिकनिक टीम आई थी, पिकनिक हमारी यहाँ पर हुई, तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर, तो वो बचपन की यादें धुंधली धुंधली यादें थी। एंड वन थिंग, बहुत सारे लोगों को नहीं है पता, इवन मेरे ख्याल से यहाँ के लोकल लोगों भी उस टाइप से ही नहीं है पता कि एज ए टूरिस्ट प्लेसेस के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए या वगैरह। पर अगर हम बात करें एक बहुत ही प्यारा स्पॉट के तौर पर, तो ये स्पॉट बहुत, तो इसके अलावा कैंपिंग यहाँ पर होती है, आते हैं बहुत बार आते हैं, पर शायद उतना हाईलाइट नहीं हुआ, पर होना चाहिए। इसके अलावा ये जो जगह, इसके अलावा वो टॉप पर जाके और भी जगह, तो मज़ेदार जगह, बहुत ही सुंदर जगह। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, तो चलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय, सी यू, टेक केयर, बाय।